अमरोहा में हसनपुर पुलिस और बदमाश के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर एसपी अमरोहा ने बदमाशों चोर शराब माफियावाद के खिलाफ सख्त अभियान चला रखा है। वहीं पर हसनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोकने का इशारा दिया गया, मगर उनसे बाइक नहीं रोकी और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर फायरिंग की। बदमाश के पैर में गोली लगी है और इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बदमाश के पास एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। बदमाश ने पूछताछ में बताया कि हसनपुर में जो दो दिन पहले कैंटीन चालक की हत्या हुई थी, उसके बारे में भी कुछ बदमाश ने बताया कि इससे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल सकती है और जल्द ही हत्या का खुलासा भी हो सकता है। देखिए, हसनपुर पुलिस द्वारा आज रात्रि में चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक सामने से बाइक सवार व्यक्ति आ रहा था। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस ने फायरिंग करी तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, साथ में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। उस व्यक्ति से जब पूछताछ करी है तो उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि कल एक यहाँ पर हत्या की घटना हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र में, और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उस घटना के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। इस व्यक्ति का नाम है शोएब और ये हसनपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। साथ ही साथ इस व्यक्ति से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। एक बाइक भी बरामद हुई है जिसकी नंबर प्लेट में कुछ क्लियर डिटेल्स नहीं है। उस व्यक्ति को और सिपाही को अभी उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, साथ में आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। सर, किस रीजन क्या रहा जो हत्या की गई थी? देखिए, अभी पूछताछ की जा रही है, उसको उपचार हेतु भेजा गया है। अभी साथ ही साथ और चीज़ें भी हमने टीम लगा रखी है, उससे पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।